जो हमने थाली का कॉम्बो लिया उसमें पहले इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, देखिए अभी इन्होंने क्या दिया हमें, हरा भरा कबाब, ये यहाँ का फेमस है, और सूप और क्या कहते हैं साथ में पापड़ और ये हरा भरा कबाब। अब सैलेड्स के बाद ये लंच देंगे, और जो यहाँ का आउटडोर सिस्टम है वो सिर्फ इवनिंग में अवेलेबल होता है। अगर आपको डिनर करना है तो जितने बाहर बहुत ब्यूटीफुल कॉटेज बने हैं वो आपको सिर्फ इवनिंग में ही बुक कर सकते हैं। अभी आप लोगों को लंच के लिए इनडोर रेस्टोरेंट में बैठना होता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैं डिनर में आउटडोर में थी, वो बहुत अच्छा था। तो आउटडोर में जब मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगी तब यहाँ पर डिनर के लिए बुक करूँगी अपने लिए बाहर के लिए कॉटेज। तो अभी मैं आपको फुल जब थाली आ जाएगी उसकी पूरी रिव्यू दूंगी कि कैसा है। अभी मैंने स्टार्टिंग में सूप टेस्ट करा, बहुत यम्मी था। अभी मैंने कबाब खाया है हरा भरा कबाब, ये मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे। ऑसम, ये तो बहुत अच्छी, कुछ खाना पड़े लास्ट वाले रेस्टोरेंट से मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक की जो तीन डिशेज ट्राई किए हैं वो उसके लिए थम्स अप। अभी लंच और बताती हूँ, उसके बाद आपको फुल वीडियो का मैं रिव्यू दूंगा। मैंने दो थाली ऑर्डर करी है, बहुत ही बढ़िया है। भैया एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमें क्या क्या मील प्रोवाइड कराते हैं। मैम यहाँ पे फिक्स लंच में आपको स्टार्टर नहीं मिलेंगे। ओके, स्टार्टर एक स्टार्टर मिलता है और एक सूप मिलता है। ओके, हाँ जो आपने मतलब सभी मैंने दो थाली ऑर्डर करी अलग अलग। अच्छा, इसके अंदर ये सब्जी कौन कौन सी है इनके बारे में बताइए। इसके अंदर एक पनीर हांडी सब्जी है, ओके सॉरी एक वेज हांडी है और एक पनीर बटर मसाला है, ओके, और वेज मंचाऊ सूप है, ओके, और रोस्टेड पापड़ है, और ग्रीन सलाद है, और ये हो गया वेज। दाल कौन सी है? दाल तड़का है मैम। अच्छा, दाल तड़का हो गया। रोटी होगी, और रोटी कितनी प्रोवाइड करते हो? रोटी तो तंदूरी रोटी है, एक यानी कि फिक्स लंच हो या एजुकेटिव लंच हो, तीन रोटी ही आता है उसके साथ। ओके जी, तो तीन आपको मिला है, तीन और आपको। हाँ, तो हमने दो थाली ऑर्डर करी है। बाकी अपना नाम बताए, मास्क हटा के दिखाई आप हो कौन, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मैम मैं बिहार सिंह, मेरा नाम अभिनंदन गुप्ता है। ओके अभिनंदन गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप लोग क्या। अच्छा, स्वीट डिश में आप हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? स्वीट में आपको मैम गुलाब जामुन आ जाएगा और ग्रीन हलवा आ जाएगा। अच्छा, तो एक ग्रीन हलवा और एक गुलाब जामुन। तो ये फाइनली यहाँ की एग्जीक्यूटिव थाली थी और एक फिक्स लंच थाली थी, जो मुझे अब तक मैंने दो तीन चीज़ें टेस्ट करी बहुत अच्छी लगी। अब मैं फुल लंच निपटा के आपको फुल बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरे को वहाँ का खाना कैसा लगा। बाहर मैं जब निकलूंगी तो आउटडोर की आपको ना रिव्यू दिखाऊंगी, लुक एग्जैक्टली इसकी लुक कैसी है, कॉटेज सिस्टम कैसे है। तो कॉटेज में मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूंगी तो डिनर के लिए बुक करूंगी। अभी हम लंच पे आए यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ग्रीन हलवा ये बहुत अच्छा कद्दू का बना हुआ है, तो ये टेस्ट किया। तो मैंने दोनों चीज़ स्वीट ली, एक गुलाब जामुन ली और मैंने कद्दू का हलवा ली। ये क्योंकि फुल फाइनली प्लेट है, दाल, दो तरह की पनीर की सब्जी, हलवा मीठा और सूप। बेटा वेट, मैं खिलाती हूँ आपको। मेरा बेटा तो आगे पीछे मैगी खा रहा है। अब हमने खाना खा लिया, अब हम यहाँ के स्पेशल छाछ पियेंगे। मैंने इस पर काला नमक ऐड कर दिया है। तो ये एक आपको थाली के साथ ही मिलती है, उसके अंदर ही मिलेगी। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। ये बिल्कुल ना घर की मक्खन की जैसे हम बनाते अपनी दही से, बिल्कुल वैसे ही लस्सी, कुछ अलग नहीं लगा मुझे, बिल्कुल घर जैसा खाना। और कुल मिला के मैं इसको 5 स्टार में से 5 स्टार दूंगी खाना। अब जो मैंने लास्ट रेस्टोरेंट चेकआउट मारा था उससे फार बेटर, बहुत कम दाम में आप दो थाली में ना 4-5 बंदे खा सकते हैं। एक थाली में 2 पर्सन आराम से खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये लोग क्वांटिटी में खाना देते हैं और बहुत प्यार से खिलाते हैं और अच्छा खाना बहुत है। स्पेशल थैंक्स टू अभिनंदन भैया। और ये भैया हैं दूसरे, क्या नाम इनका, प्रभात, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और खाना अच्छा था। कुल मिला के मेरा ये ब्लॉग बहुत बढ़िया लगा मुझे। आउटिंग में भी आपको भाग करवाऊंगी।